हमारी धरती बेहद ही अजीबोगरीब और अनोखे जीवों का घर है। एनिमल किंगडम में कई जीव तो ऐसे हैं जिनके नाम से भी हम अनजान हैं। उदाहरण के तौर पर आप में से कई लोगों ने पिंक फेरी आर्मेडिलो का नाम शायद ही कभी सुना होगा, लेकिन ये जानवर सच में एग्जिस्ट करता है। खैर, हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज की वीडियो कुछ ऐसे ही जानवरों पर बेस्ड है जिनका नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन उनके अनोखे फीचर्स आपको हैरान करके रख देंगे। इन अनोखे जानवरों की लिस्ट शुरू होती है ब्राजील आर्मेडिलो मैस्कॉट से। ब्राजील आर्मेडिलो मैस्कॉट पूर्वी ब्राजील में पाया जाने वाला ब्राजील आर्मेडिलो को 2014 में ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप के मैस्कॉट के रूप में चुना था। तब जाकर ये जानवर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। अगर आप ये नाम पहली बार सुन रहे हैं तो आपको बता दें कि ब्राजील आर्मेडिलो ईस्टर्न ब्राजील के स्थानीय प्रजाति है, जहां उसे टट्टू बोला के नाम से भी जाना जाता है। ब्राजील में लोगों के बीच टट्टू बोला काफी मशहूर नाम है क्योंकि इस जीव की पीठ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉल है जिसकी मदद से ये कभी भी रोल कर सकता है। खतरे का आभास होते ही आर्मेडिलो सुरक्षा के लिए अपनी रोलिंग बॉल का इस्तेमाल करता है। आप ये समझ लीजिए कि प्रकृति ने इसे सबसे बेहतरीन डिफेंस मैकेनिज्म दिया है, लेकिन सबसे बेकार आंखों की रोशनी से नवाजा है। ये जीव खुद को बचा तो सकता है लेकिन आने वाले खतरे को देख नहीं सकता। ऐसी स्थिति में ये अपनी स्मेलिंग सेंस का इस्तेमाल करता है जो कि कमाल की है। जबरदस्त सूंघने की शक्ति होने के साथ साथ ये जीव बेहतरीन शिकारी होते हैं और खासकर भोजन में छोटे कीड़े रेप्टाइल्स और वर्म्स को खाना पसंद करते हैं। आर्मेडिलो आकार में 39 इंच तक बढ़ सकते हैं और इनकी कई प्रजातियां धरती के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ये जीव सोशल एनिमल्स नहीं है। ये अपना ज्यादातर समय सोने में बिताते हैं और आमतौर पर हर दिन 16 घंटे की नींद जरूर लेते हैं। हालांकि ये जीव ज्यादातर इक्वेटर रीजन में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर में फैट को स्टोर करने की क्षमता काफी कम होती है, लेकिन पिछले 10 सालों में इनकी जनसंख्या में 30% की गिरावट देखी गई है। न्यू वर्ल्ड के इन जानवरों पर इंसानों के शिकार और डिफोरेस्टेशन का खतरा मंडराता रहता है। दोस्तों, अगर आप घर की दीवारों पर छिपकली देखने भर से डरते हैं तो हम आपको छिपकली की स्पीशीज की अनोखी सदस्य से मिलवाते हैं, फ्रिल्ड नेक्ड लिजर्ड्स या ड्रैगन। ये है फ्रिल्ड नेक्ड लिजर्ड, जिसे हिंदी में झालरदार गर्दन वाली छिपकली भी कहा जाता है। झालरदार इसलिए क्योंकि इसकी गर्दन की चारों ओर फ्रिल्स बनी होती है। ऑस्ट्रेलिया में लोग इस छिपकली की कई स्पीशीज को पेट के रूप में पालना पसंद करते हैं, लेकिन ये रेप्टाइल ड्रैगन फैमिली की सबसे बड़ी प्रजाति है। फ्रिल्ड नेक छिपकली लंबाई में 3 फीट और वजन में 0.5 पाउंड तक बढ़ सकती है, लेकिन इसकी लंबाई कई हद तक अलग अलग स्पीशीज पर निर्भर करती है। फ्रिल्ड लिजर्ड के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये वातावरण के साथ खुद को मिक्स करने के लिए शरीर का रंग बदलना जानती है। फ्रिल्ड लिजर्ड की ज्यादातर प्रजाति ब्राउन से रेडिश रंग की होती है। इसके गर्दन के पास मौजूद फ्रिल्स में प्लेट्स बनी होती हैं। ये जीव ज्यादातर अपना समय पेड़ों पर ही बिताती हैं और केवल शिकार करने के लिए जमीन पर आती हैं। सबसे हैरानी की बात है कि खतरा महसूस होने पर लिजर्ड अपने फ्रिल्स खोल देती है ताकि शिकारी इससे डर कर दूर जा सके। अगर ये टेक्टिक काम नहीं आती तो फ्रिल्ड लिजर्ड अपने बैक लेग के इस्तेमाल से पूरे शरीर को ऊपर उठाती है और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ लगाती है, और तब तक नहीं रुकती जब तक कि वो पेड़ के सबसे ऊपरी ठिकाने पर ना पहुंच जाए। इस क्लिप को देखकर यह कहना बहुत मुश्किल है कि ये जीव असल में एक छिपकली है जो इंसानों से भी तेज दौड़ना जानती है, वो भी दो पैरों के सहारे। लायर बर्ड। इंसानों को अक्सर आपने दूसरे लोगों की मिमिक्री करते देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बंदरों के अलावा मिमिक्री का टैलेंट लायर बर्ड में भी पाया जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो लायर बर्ड प्राकृतिक रूप से एक बेहतर मिमिक्री आर्टिस्ट होती हैं। ये जीव कहीं भी और किसी भी साउंड की मिमिक्री करना जानती हैं। यहाँ तक कि ये इंसानों को भी बेहतर तरीके से मिमिक कर सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाली ये चिड़िया बहुत सुंदर होती है। पहली नजर में इसे देखकर आपको पीकॉक के किसी प्रजाति की याद आ सकती है, क्योंकि इसके शरीर के पिछले हिस्से में फेदर्स लगे होते हैं जो इसे सबसे अनोखा बनाते हैं। आकार में बड़े होने की वजह से ये चिड़िया ज्यादा देर तक उड़ान तो नहीं भर सकती। आप यूं समझ लीजिए कि लायर बर्ड उड़ना तो जानती है, लेकिन ये एक परफेक्ट फ्लायर नहीं होती। इस चिड़िया की खूबसूरती इसके टेल फेदर में होती है जो इंड की ओर कर्ल होते हैं। इसके अलावा ये जीव काफी शर्मिले स्वभाव के होते हैं जो ज्यादातर लोगों के बीच आसानी से नहीं आते, और इसलिए हम इनके सोशल बिहेवियर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जानते। लायर बर्ड शुरू से ही इंसेक्टिवोरस होते हैं और अलग अलग प्रकार के कीड़ों को खाने के लिए जाने जाते हैं। कॉकरोच, बीटल और लार्वा लायर बर्ड के पसंदीदा भोजन है। आए आए।
अनोखे जानवरों की लिस्ट में अगला नाम एएए का आता है, जो अपने फीचर के अलावा शारीरिक बनावट की वजह से भी पॉपुलर है। मेडागास्कर के ये निवासी लॉन्ग फिंगर्ड लेमर होते हैं। कुछ लोगों को ये जीव बहुत ही क्यूट लगते हैं, क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी आंखें और कान होते हैं। इसके अलावा ये बिग बुशी टेल्स के लिए भी जाने जाते हैं। एएए का सबसे जरूरी फीचर उसकी लॉन्ग सिलेंडर फिंगर्स होती है, जो उसे पेड़ों को पकड़ने में मदद करती है जहाँ वो निवास करते हैं। इसके अलावा एए के पास साउंड वेव्स की मदद से चीजों को पता लगाने की बेहतरीन शक्ति होती है। एए अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल इंसेक्ट और लार्वा को ट्रैक करने के लिए करते हैं, ताकि ये आसानी से उन्हें अपना भोजन बना सके। एए अपना ज्यादातर जीवन पेड़ों पर बिताते हैं और जमीन पर आने से बचते हैं। हालांकि एए की शारीरिक बनावट और फीचर्स इंसानों से किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलती, लेकिन इस जीव को ह्यूमन ऑर्डर से भी देखा जाता है। इसके पीछे का कारण इनका डीएनए है, जो 93% इंसानों से मेल खाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि एए का इवॉल्व शरीर काफी कुछ गिलहरी से भी मिलता जुलता है। मैक्सिकन मोल लिजार्ड। इस क्लिप में दिखने वाला जीव अगर आपको सांप लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये मैक्सिकन मोल लिजार्ड है, जो खास तौर पर मेक्सिको में पाया जाता है। लोकल लोग इसको फाइव टोड वॉर्म या फिर बाइप्स के नाम से भी जानते हैं। दिखने में भले ही ये बाइप सांप की तरह खतरनाक लगते हैं, लेकिन ये असल में जहरीले नहीं होते। इसके शरीर का रंग पिंक होता है और आगे के हिस्से में दो पैर होते हैं, जो इसे चलने में मदद करते हैं। ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि मैक्सिकन मोल लिजार्ड की त्वचा में लाइनिंग्स होती हैं और ये लंबाई में 18 से 24 सेंटीमीटर तक होते हैं। हालांकि ये प्रजाति खतरनाक नहीं होती और इसका कोई भी फीचर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन फिर भी ये छिपकली आपको आसानी से देखने को नहीं मिलेगी। मैक्सिकन मोल लिजार्ड इंसानों से छिपकर रेत के अंदर रहती है और इसका जीवन काल 1 से 2 साल का ही होता है। क्योंकि ये प्रजाति आसानी से इंसानों की नजर में नहीं आती, इसलिए एक्सपर्ट्स के पास इस छिपकली को लेकर बेहद ही कम जानकारी मौजूद है। पिंक फेरी आर्मेडिलो। पिंक फेरी आर्मेडिलो आर्मेडिलो की सबसे छोटी प्रजाति है। इसकी शारीरिक बनावट बिल्कुल बाकी आर्मेडिलो जैसी ही है। इसकी पीठ के पिछले हिस्से में शैल होता है, जो इसे रोल करने में मदद करता है। पिंक फेरी आर्मेडिलो की खासियत है कि कई अलग अलग खतरों से खुद को बचाने के लिए ये जीव अपने वातावरण का इस्तेमाल करता है। एंट्स एंड लार्वा इस जीव का मुख्य भोजन है। आज इनकी जनसंख्या जंगलों में कम होती जा रही है, क्योंकि ब्लैक मार्केट में इनकी डिमांड कहीं ज्यादा है। लेकिन असल में ये जीव केवल अपनी हैबिटेट में ही जिंदा रह सकते हैं। एक बार जंगलों से बाहर निकलने पर पिंक फेरी आर्मेडिलो केवल 7 से 8 दिनों में ही अपनी जान गंवा देते हैं। इंडियन पर्पल फ्रॉग। घर से बाहर अक्सर आपने फ्रॉग्स तो कई देखे होंगे, लेकिन ज्यादातर सभी का रंग हरा या पीला ही देखा होगा। पर्पल रंग के फ्रॉग्स का दिखना आपको शायद हैरानी में डाल सकता है, लेकिन भारत के साउदर्न वेस्टर्न घाट्स की तरफ ये प्रजाति असल में अस्तित्व में है। अगर आप इस जीव के बारे में नहीं जानते तो हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेंढक अपने जीवन काल का ज्यादातर समय जमीन के अंदर ही रहकर बिताते हैं और हर साल केवल प्रजनन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ही केवल 2 हफ्ते के लिए बाहर आते हैं। यहाँ तक कि भोजन की तलाश में भी ये जीव कभी भी जमीन पर नहीं आते, केवल जमीन के नीचे मौजूद भोजन को खाकर ये खुद का गुजारा करते हैं। इंडियन पर्पल फ्रॉग ज्यादातर चींटी और टर्माइट्स को अपना भोजन बनाते हैं। खुद वैज्ञानिकों को इस मेंढक को खोजने में कई सालों का समय लग गया। देखने में इंडियन पर्पल फ्रॉग काफी अजीब लगते हैं। इनका शरीर फूला हुआ रहता है, आंखें छोटी होती हैं और नाक स्नॉट के आकार की होती है। वैज्ञानिकों की माने तो मॉनसून के आने पर मेल फ्रॉग रेत के नीचे से जोर से आवाज करना शुरू करते हैं और फीमेल्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ताकि प्रजनन की प्रक्रिया पूरी हो सके। पेंगोलिन। हालांकि कई लोग पेंगोलिन को एक रेप्टाइल के रूप में देखते हैं, लेकिन ये जीव असल में एक मैमल है। धरती पर यह इकलौता ऐसा मैमल है जिसका शरीर पूरी तरह स्केल से ढका रहता है, और समय आने पर यह जीव इन स्केल्स का इस्तेमाल खुद को शिकारियों से बचाने के लिए करता है। जैसे ही इस जीव को खतरे का आभास होता है, ये तुरंत एक बॉल में कर्ल हो जाता है और खुद को बचाने के लिए अपने शार्प स्केल टेल्स का इस्तेमाल करता है। एशिया में पेंगोलिन की 4 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। भोजन के रूप में ये जीव एंट्स, टर्माइट्स एंड लार्वा को खाना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पेंगोलिन्स के पास दांत नहीं होते हैं। ये जीव जीव की मदद से खुद के लिए शिकार करते हैं। तो दोस्तों, ये थे एनिमल किंगडम के कुछ अजीब जीव, जो कभी कभी अपने अनोखे फीचर से लोगों को हैरत में डाल देते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि धरती सरप्राइजेस से भरी पड़ी है। हम नहीं जानते कि कब कहां हमें क्या देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अनोखा जीव कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।